हेलो फ्रेंड्स, मैं सहेली चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपको कैबेज मंचूरियन बनाना सिखाऊंगी, बंधा गोभी का मंचूरियन। उसे मैंने इस प्रकार से कटिंग कर लिया है, घिस के भी बनता है, लेकिन इस तरह से कटिंग करके बनाने से वो ज़्यादा टेस्टी बनेगा उसका बॉल। तो ये मैंने बंधा गोभी लिया है। अब इसमें ये मैदा है, 4 चम्मच मैदा डालूंगी। कॉर्नफ्लोर है, ये भी करीब 4 चम्मच है, इसे भी मैं डाल दूंगी। थोड़ा मिर्ची पाउडर, थोड़ा नमक, ग्रेवी में भी पड़ेगा तो थोड़ा कम ही डालूंगी। अभी थोड़ा सा सोया सॉस पड़ेगा, आधा चम्मच करीब। और एक छोटा कटा हुआ प्याज मैं इसमें डाल देती हूँ। ध्यान रहे, जब भी बंधा गोभी आप घिसे तो उसमें पानी नहीं रहना चाहिए, पानी निचोड़ के अच्छा से निकाल लीजिएगा, नहीं तो आपका बॉल्स बनने में दिक्कत करेगा। ये अदरक लहसुन है कुटा हुआ, मैं ये सबको मिक्स कर लेती हूँ। पहले सूखा ही मिक्स करूँगी, उसके बाद देखूँगी कितना पानी लगता है इसमें। ये मैंने सूखा मिक्स करके देख लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे सख्त मिलाऊंगी, इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है। यदि लगे आपके कैबेज में कि और बाइंडिंग की ज़रूरत है तो इसमें और थोड़ा मैदा और थोड़ा कॉर्नफ्लोर बढ़ा सकते हैं। देखिए ये अच्छा से मिल चुका है। अब मैं इसे तलने के लिए रिफाइंड तेल इस्तेमाल करूँगी, उसे मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ। इसके बॉल्स को फ्राई करना है, इसके लिए थोड़ा रिफाइंड ज़्यादा ही डाली हूँ, बाद में इसे निकाल लूँगी। थोड़ा ये गर्म हो जाए तो मैं दिखाती हूँ बॉल बना के। ये रिफाइंड गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें बॉल बना कर डालूँगी। मैं इसका एकदम छोटा छोटा सा बॉल डालूँगी, एकदम छोटा छोटा सा। इसे चम्मच से काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बाइट में एक बॉल खाइए। इस तरह करके थोड़ा सा पानी के हाथ से इसे बनाइए तो ये चिपकेगा नहीं हाथ में। इस तरह करके पूरा बॉल बना के मैं इसे फ्राई करके निकाल लूंगी। बहुत कोई मंचूरियन में कलर डालते हैं, मैं कलर इस्तेमाल नहीं की हूँ और इसमें हल्दी भी नहीं डलता है, ये खुद बनने के बाद कलरफुल हो जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसके लिए। और मेरा और भी वीडियो देखना चाहें तो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। मैं इसमें जो सॉस इस्तेमाल करूँगी चिली सॉस, उसका भी वीडियो मैंने डाल चुकी है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूँगी। इसमें थोड़ा और कलर आ जाए तो मैं इसे निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ आपको बहुत कम से कम समय में डिश बताने का, इसके लिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही दिखाती हूँ। आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहती हूँ, कम टाइम में ही आप सीख लें। इस तरह करके मैं पूरा बचा हुआ जितना है उस सबका इस तरह छोटा छोटा बॉल्स बना के निकाल लूँगी, उसके बाद आपको ग्रेवी बनाने का दिखाऊंगी। देखिए तलने के बाद कुछ इस प्रकार रहेगा, आप अपने साइज से इसका आकार दे सकते हैं।
मैं तो ऐसे ही छोटा छोटा ही बनाती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, ग्रेवी ज़्यादा अच्छा से इसके अंदर जाता है। आप अपने पसंद के अनुसार बनाएंगे। अब मैं ग्रेवी बनाना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा तेल डाल दी, ये अदरक लहसुन है, इस साइज में कटा हुआ प्याज है, इस तरह गाजर और शिमला मिर्च, सब्जी को ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा क्रंची ही रहना चाहिए। सब्जी पक रहा है तब तक मैं सॉस सबको एक जगह इस कटोरी में निकाल लेती हूँ। देखिए ये होममेड है, मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। 2 चम्मच चिली सॉस, एक चम्मच सोया सॉस, दो चम्मच टमाटो सॉस, और एक चम्मच विनेगर डाल के मैं एक जगह मिक्स करके इसे रख लेती हूँ। इसे मैं ग्रेवी में डालूँगी। सब्जी पक चुका है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। मैं ये सारा सॉस जो मिला के रखी थी इसे डाल दूँगी। थोड़ा एक चम्मच कॉर्नफ्लोर है, इसे मैं पानी में घोल के ग्रेवी में डाल दूँगी, इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। हल्का सा नमक और डाल देती हूँ। ध्यान रखिएगा सारे सॉस में नमक पहले से डला होता है। ये ग्रेवी हो चुका है, अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी, उसके बाद ये सारे बॉल्स को इसमें मिला दूँगी। ये डालने के बाद इसे पकाना नहीं होता है, ऐसे इसका क्रंची स्वाद आएगा। ऊपर से थोड़ा हरा प्याज डाल देती हूँ। देखिए बनने के बाद कुछ इस प्रकार लगेगा। यदि हमारा रेसिपी बनाया हुआ आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे वीडियो को लास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।